सूर्य अस्त किस समय घर की बहू बेटी घर के गऊ घर की गाय भी यहां तक कहते दूध भी लक्ष्मी भी शाम के समय किसी को ना दीजिए। बहू बेटी भी किसी के यहां शाम के समय ना जाए। हमारे घर की लक्ष्मी हमारे घर में रहे। संध्या का समय ऐसा होता है शाम का समय कि गाय भी चरकर घर की ओर आ जाती है, गौएं भी अपने ठिकाना पाती हैं, पशु पक्षी। पर एक आज का फैशन ऐसा हो गया राम, ये बेटियां ये बहुएं अपनी सहेली को फोन लगाकर कहती हैं कितनी बजे चलेगी, 5:30 तक चलते हैं शाम के समय। हाँ ठीक है, शाम के समय घर छोड़कर रुपया खर्च करने के लिए जा रहे हैं। या शास्त्र कह रहा है शाम के समय तो भिक्षुक भी अगर मांगने आए तो ना दिया जाए दहली पर। घर की लक्ष्मी घर की बेटियां घर की बहुएं घर में स्थिर हो, घर में स्थिर। चौखट पर भूल कर भी बैठ जाते हैं उनके शरीर में बीमारी बनी रहती है, चाहे वो 50 डॉक्टर बदल लें, चाहे वो 50 जगह पर जाकर दिखा लें, चाहे कितनी भी आभूषण मोती रतन माणिक बदल बदल कर पहन लें, तो भी उसके शरीर में कष्ट रहेगा ही। जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा बीमारी रहती हो, शरीर में बहुत कष्ट हो, टेबलेट खा खा कर जिंदगी निकल रही हो, बीमारी डॉक्टर का पीछे ही नहीं छूट रहा हो, तो शिव महापुराण विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल लें। महाराज घर के बाहर अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती है, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, नवमी तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, उस अश्विन अधिक मास का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है महाराज, वो रोगीला नहीं रहता, रोग से ग्रस्त नहीं रहता, दवाई गोली उसकी छूटती है। कभी ये डॉक्टर को दिखा लो, कभी वो डॉक्टर को दिखा लो, कभी यहां दिखाओ कभी वहां दिखाओ, उससे छुटकारा मिलता है। नवमी तिथि चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, नवमी की रात्रि के 12 बजे या दशमी की रात्रि के 12 बजे घी का दिया हथेली में रखकर दरवाजे के बाहर, उस दिए को हथेली में रखकर चंद्र का दर्शन रात्रि के 12 बजे दिए की लो में चंद्र का दर्शन करते हैं, उससे ज्योत प्रबल होती है महाराज। या तो होगा वो नवमी की रात्रि 12 बजे या दशमी की रात्रि की 12 बजे चंद्र का दर्शन, दीप घी का हाथ में जलाकर नाम गोत्र अपना बोलकर नरसिंह भगवान का स्मरण कर अश्विन अधिक मास का स्मरण कर ज्योति में चंद्र का स्मरण कर दर्शन किया जाता है। नेत्र कमजोर हो तो उसके 3 या 4 दिन में ज्योतियों का क्रम बढ़ना प्रारंभ होता है। वैसे तो 15 दिन का लिखा है पर शिव महापुराण कहती है 3-4 दिन का क्रम बहुत बढ़ता जाता है। प्रबलता की हिंदू धर्म में शास्त्र प्रमाणित कहता है महाराज, तुलसी का दल बेलपत्र दुर्वा शमी का पत्र अगर नख से तोड़ दिया जाए तो भगवान को समर्पित नहीं हो। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि कोई से भी महीने में कोई सी भी घड़ी में कोई से भी पल में अगर आपने नख से कोई सामग्री तोड़कर भगवान को समर्पित करी है भगवान उसको स्वीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करेगा। कईयों की आदत रहती है तुलसी का दल भी तोड़ेंगे तो नख से तोड़ देंगे, डंडी नख से तोड़ देंगे, बेलपत्री की डंडी नख से तोड़ देंगे, नहीं स्वीकार। दुख है तकलीफ है, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, व्यापार नहीं चल रहा, पैसा नहीं आ रहा, मानसिक टेंशन बना हुआ, कुछ हो ही नहीं रहा, तो क्यों भटक रहे हो? वहां गए उनसे पूछ लिया अंगूठी बता दो कौन सी पहन ले, वो वाली अंगूठी पहन लो, ये वाला नथ पहना, वो पहन लिया, पुखराज पहन लिया, मोती पहन लिया, नीलम पहन लिया, पन्ना पहन लिया, गौमेद पहन लिया, सब कुछ पहना, अब एक बार सब कुछ पहन लिया, सारे तरह के कपड़े बदल लिए, सारे बाबा जोगी बदल लिए, सारे देवता बदल लिए, घर की डिजाइन बदल ली, बाथरूम इधर का इधर बना दिया, सीढ़ी तोड़कर इधर लगा दी, पानी का टैंक उधर बना लिया,
सारी दुनिया में घूम आए, उसके बाद भी सुख नहीं मिला, तो एक बार शिवरात्रि का भी उपाय कर कर देखना। शायद मुझे उम्मीद है जिंदगी भर तो दुख झेलोगे नहीं, सुख इतना झेलोगे, सुख का अनुभव इतना होगा कि दुख कहां गया मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये मुझे उम्मीद है, मेरे विश्वनाथ की कृपा अगर हो गई बस उसका अनुमोदन करो, उसका स्मरण। पांच बेर बोर जो खाते हैं, खाते ना बेर जो बाजार में आते हैं, बोर जो आते हैं खाने वाले, पांच बेर, पांच जौ, जौ जानते हो वो जौ हवन में डलती है, पांच जौ, पांच श्वेत पुष्प, पांच कमलगट्टे, पांच काली मिर्च, अपनी कामना करकर ठीक दोपहर के 12 बजे अश्विन अधिक मास की शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाओ, झोली पसार का निवेदन करो और बाबा को 11 दीप घी के दिए 11 शिव जी के सामने जला दो। वापिस आओ, शाम के समय जाकर एक चौमुखी दिया भगवान शंकर के मंदिर के सामने चौखट के बिल्कुल बीचों बीच सम्मुख में जलाकर आ जाइए। जिंदगी में कभी दुख नहीं मिलेगा ये विश्वास रखना, शिव पूर्ण देगा, कभी खजाने में कमी नहीं आ सकती, भंडार वो भरेगा, दुख नहीं, तकलीफ नहीं, कष्ट नहीं। किसी पुराण में कोई उपाय नहीं लिखा, केवल कुछ पुराण है, शिव महापुराण में तो बहुत उपाय है साहब, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, इन पुराणों में बड़े सुंदर सुंदर उपाय जो लिखे गए, उसको बस समझना है, उसको केवल अपनी जिंदगी में उतारना है। रोग हो गया गुरु जी, बहुत दुखी है, बीमारी ने कैंसर ने घेर लिया, किडनी लीवर खराब हो गया, हम तो त्रिजुगी नारायण भी ना जा सकते, हम पांडुकेश्वर ही ना जा सकते, आप तो ऐसा उपाय बता दो जो घर में कर ले, बताऊंगा उसका भी उपाय बताऊंगा। कैंसर किडनी लीवर क्या, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उस्ताद क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का, क्या करेगा काल भी। कलकत्ता में बताया था मोदी परिवार का चरित्र, कलकत्ता में वर्णन किया था महू का एक चरित्र, मरकर भी जिंदा कर देता है वो देवाधिदेव महादेव हो सकता है, जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है वो देवाधिदेव महादेव हो सकता है, जो यमराज को भी मार दे वो देवाधिदेव महादेव हो सकता है। वर्तमान भूत भविष्य सारे कालों का जो स्मरण कर ले वो त्रिकालदर्शी केवल विश्वनाथ ही हो सकता है। मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, और दूसरा नहीं। श्री शिवा नमस्तुभ्यम, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, श्री शिवा नमस्तुभ्यम।